सर आप एक बार स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आप यूट्यूब पर भी लाइव आ रहे हैं। ठीक है, एक बार उसका स्क्रीन सेट कर दो। मैं सेटिंग स्क्रीन सेटिंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कल दिल्ली से हूँ और बहुत ही मिलन कर रहा हूँ। आज हम आप लोगों के सामने एक लेक्चर लेकर आए हैं जो कि कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक है, टैक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं टैक्स का बेसिक मतलब क्या है। टैक्स इज अ पर्टिकुलर टर्म जिसको हम ट्रेडिंग मार्केट में यूज करते हैं। तो टैक्स के बारे में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टॉपिक के बारे में हम पिछले दिन करने वाले इससे से रिलेटेड आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं टैक्स पॉलिसी। सबसे पहले हम बेसिक टर्म समझते हैं टैक्स होता क्या है। टैक्स का बेसिक मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन है जिसको भी कुछ इनकम हो रही है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए हमारे यहाँ पर टैक्स पॉलिसी सामने आई है। तो टैक्स पॉलिसी का बेसिक मतलब होता है, टैक्स का मतलब है किसी भी अर्निंग पर उसके बिहाफ पर टैक्स चार्ज करना। इनकम का एक पार्ट गवर्नमेंट अपने पास रखती है। क्यों रखती है, उसका भी रीजन है कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कि एक गवर्नमेंट के रेवेन्यू का बेस है, जिससे कोई भी गवर्नमेंट अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करती है, कंडक्ट करती है, चलाती है, तो उसको ये रेवेन्यू मिलना चाहिए। उसके पास जब अर्निंग होगी तो आगे जाकर उस अर्निंग को लोगों के लिए यूज कर पाएगी। तो जीडीपी के लिए टैक्स पॉलिसी का एक बहुत बड़ा रीजन रहा हो गया। तो टैक्स से रेवेन्यू फॉर्म में इनकम रिसीव होती है गवर्नमेंट को। जीडीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट है रेवेन्यू जो कि हमें टैक्स की फॉर्म में मिलता है। इसका एक एग्जांपल है बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें या जब भी हमारी टैक्स पॉलिसी होती है, इससे पहले अगर इंडिया जो टैक्स चार्ज करता था वो लगान की फॉर्म में करता था। लगान के प्रकार से टैक्स था जो कि किसानों पर लगाया जाता था उनके प्रोडक्शन के लिए लगाया जाता था क्योंकि जमींदारी सिस्टम था, तो जमींदार अपना रेवेन्यू चार्ज करते थे फार्मर से, क्योंकि हमारे यहाँ 60% से ज्यादा जो फार्मिंग होती थी एग्रीकल्चर के थ्रू, एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते ही लगान जो है वो भी एक पार्ट है टैक्स का। लेकिन जब हमारे यहाँ पर क्लास ले रहा है इस तरह से तो पढ़ लो अच्छा, दो दो तीन तीन हजार ये इसके नेट के बिल आएंगे। नेक्स्ट पॉलिसी में तो लगान सिस्टम खत्म हो गया और लगान सिस्टम जो है टैक्स पॉलिसी नहीं है। अब टैक्स पॉलिसी जो है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट
दोनों अपने अपने तरीके से टैक्स लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है सेंट्रल लेवल और इंडिया लेवल, बट जो स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स है वो लगते हैं पर्टिकुलर स्टेट को लेकर। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी अलग 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 है। लेकिन मेजर चीज आया बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे इनकम टैक्स दो टाइप का, फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। दो ही टाइप के टैक्स लगाए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मींस नाम से पता चल रहा है ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसमें कोई मीडिएटर नहीं होता। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ये ऐसे टैक्स है जो डायरेक्टली एक पर्सन गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करता है। इनकम टैक्स एक पर्टिकुलर पर्सन की जितनी भी इनकम है, जो भी इनकम है उसके बिहाफ पे टैक्स लगाया जाता है, वो है इनकम टैक्स। वेल्थ टैक्स, एक पर्सन के पास पर्टिकुलर पर्सन के पास कितनी संपत्ति है उसके बिहाफ पे टैक्स लगाया जाता है, दैट्स फॉर वेल्थ टैक्स। ये दोनों डायरेक्टली डिपॉजिट गवर्नमेंट ट्रेजरी में। अब हम सेकंड बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो डायरेक्ट नहीं है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट ट्रेजरी पे डिपॉजिट नहीं करवाते हैं, तो चेन सिस्टम के थ्रू मीडिएटर्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स सभी जगह एप्लीकेबल होता है। एक छोटे से छोटी चीज अगर खरीदी जाती है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। ऐसा टैक्स होता है जिसके बारे में कई कस्टमर्स नहीं होता। अगर आप एक मैच बॉक्स भी परचेज करते हैं तो मैच बॉक्स में भी टैक्स लगा हुआ होता है। कभी कोई भी चीज अगर आप परचेज करते हैं तो उसपे जो मार्केट प्राइस होती है उसके साथ लिखा हुआ होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। ये जो इंक्लूसिव और ऑल टैक्सेस का टर्म है ये इनडायरेक्ट टैक्स। एक मैच बॉक्स भी अगर खरीद रहे हैं 1 रुपए का तो उसमें भी टैक्स इंक्लूडेड है। बट ये टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते, हमने जब टैक्स परचेज किया कस्टमर ने उसने रिटेलर को टैक्स पे किया। अब रिटेलर ने होलसेलर को, होलसेलर ने ये टैक्स पे किया है प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर ये टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। इस तरीके से ये जो टैक्स है ये डायरेक्टली ना जाकर चेन बेस के थ्रू गवर्नमेंट पास पहुंचा है, इसीलिए इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम देखें तो इसमें हमारे सर्विस टैक्स इसका एग्जांपल था। सर्विस टैक्स के अलावा एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन टैक्स, ये सारे टैक्स पहले थे जो स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म में अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म में अलग लगाए जाते हैं। लेकिन इन टैक्सेस को हटाकर एक नई टैक्स पॉलिसी 2017 में सामने आई जिसे हमने कहा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का एक मेजर पार्ट है, जिसमें सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे कई टैक्स लैप्स हो गए, खत्म हो गए और उनकी जगह जीएसटी।
जीएसटी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों जगह सेपरेटली काम करता है। सेंट्रल लेवल पे जीएसटी काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्म में, स्टेट लेवल पे काम करता है स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्म में। मतलब अगर एक जीएसटी चार्ज हो रहा है तो उसमें जितना पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है उतना ही पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का होगा। अब जीएसटी के बारे में क्योंकि ये लेटेस्ट गवर्नमेंट है, बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्यों आया था, कब आया था, कैसे इसकी देखिए, जीएसटी बिल पास हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल पास हुआ पार्लियामेंट के थ्रू, उसके बाद ये जीएसटी हमारे सामने आई थी। अब जीएसटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी का जो बिल है 12 अप्रैल 2017 को पास हुआ और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को ओवरऑल इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हो गया एक्सेप्टेड जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद 7 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में भी ये अप्लाई हो गया। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी एक शॉपकीपर, कोई भी एक मैन्युफैक्चरर रिटेलर गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करता है तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। और कॉमर्स ट्रेड में अगर बात करें तो गुड्स के साथ साथ सर्विस भी इसमें होती है। सर्विस का मतलब अगर आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस ना करके किसी को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है तो उस फैसिलिटी के बिहाफ पे अगर आप उनको अर्निंग के बिहाफ पर टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो उसे आप सर्विस टैक्स कहेंगे। सर्विस इन द सेंस आप किसी होटल में गए, होटल में जाकर आपने वहां पर या 2 दिन के लिए तो वहां पर आप कुछ लेकर नहीं आ रहे हैं, आप सिर्फ वहां के जो लोग हैं वो आपको जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं आप उन पर सर्विस के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो जो सर्विस आप यूज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो आपने पेमेंट किया है उस पर भी टैक्स चार्ज होगा, दैट्स कॉल्ड सर्विस टैक्स। इसीलिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि 1 जुलाई 2017 को ऑल ओवर इंडिया में हुआ था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। 7 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में ये तो टैक्स एक ऐसी चीज है जिससे एक पर्टिकुलर कंट्री का कोई भी इंसान जो एक पर्टिकुलर कंट्री में रहता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से कनेक्टेड होता है। अब इसी में अगर हमने इनडायरेक्ट टैक्स की बात की तो थोड़ी इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में एक मेजर रोल प्ले करता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसा ही नाम से पता चल रहा है, इनकम टैक्स एक पर्टिकुलर पर्सन की जितनी इनकम है उस पर जो टैक्स चार्ज होगा वो इनकम टैक्स है, टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी एक्ट बने हुए हैं उनके अंडर ही टैक्स पॉलिसी अप्लाई होती है, इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 था जो 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल हुआ। इसमें टैक्स लगाने के, इनकम टैक्स लगाने के सारे टर्म्स एंड कंडीशन बताई हुई है। एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको कहीं से भी इनकम हो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके लिए इनकम कौन कौन सी हो सकती है, यहाँ एक टर्म है इनकम। तो एक पर्टिकुलर पर्सन की जो इनकम हो सकती है वो 5 ऐसे इनकम हो सकती है। सबसे पहले अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कहीं पे जॉब करता है तो उसके अगेंस्ट अगर उसको इनकम मिल रही है तो सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम
उस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग है हाउस प्रॉपर्टी से इनकम। अब हाउस प्रॉपर्टी से इनकम उसको सेल करके नहीं, उसको यूज करके। अब एक पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी को यूज करने का मतलब उसको रेंट पर देना। तो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मींस रेंट से इनकम। एक पर्टिकुलर हाउस को आपने रेंट पर दिया है, उससे जो इनकम आ रही है दैट्स कॉल्ड दैट इज द हेड। आपको उसके अंडर चार्ज करना पड़ेगा इंटरेस्ट टैक्स का। इसी तरीके से एक इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो इनकम है वो भी इनकम का एक पार्ट है। बिजनेस एंड प्रोफेशन मीन्स, बिजनेस मीन्स द परचेसिंग और सेलिंग और सर्विसिंग ऑफ एनी गुड्स और सर्विस इज नोन एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्रोफेशन मीन्स इफ यू हैव अ पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर टॉपिक जिसके लिए आपने एक स्पेसिफाइड डिग्री ली हुई है, उसके अगेंस्ट आप जो अर्निंग लेते हैं वो है प्रोफेशनल इनकम। डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इन सब की जो इनकम है दैट्स कॉल्ड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इसी तरीके से बिजनेस, अगर किसी गुड्स एंड सर्विस की परचेसिंग और सेलिंग हो रही है तो उसके अगेंस्ट जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद अगली हेडिंग है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मींस, जहां मैंने ये बात की थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस को अगर रेंट की तरह आप दे रहे हो तो उससे जो इनकम हो रही है, घर आपके पास है, आपने इसे यूज किया है, रेंट कर दिया है, तो जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी। बट अगर आपने वो घर बेच दिया, मतलब आपने अपनी कैपिटल नेचर की कोई भी चीज बेची, कैपिटल नेचर मीन्स आपकी एसेट्स, आपकी संपत्तियां आपने अगर बेची है तो उससे जो भी आपको इनकम होगी दैट्स कॉल्ड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हाउस सेल कर दिया आपने, आपने मशीनरी सेल की है, आपने प्रॉपर्टी सेल अगर की है, आपने ज्वेलरी सेल की है, तो इन सबको सेल करने से आपको जो भी इनकम होगी वो आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मींस इनके अलावा अगर कोई इनकम हो रही है स्पेक्चुलेशन से इनकम, अगर आप घुड़दौड़ करवाते हो, लॉटरी आप जीतते हो, आपको अगर पेंशन मिल रही है, ये एक ऐसा एग्जांपल है जो अर्निंग किसी भी नहीं होता। ऐसी अर्निंग जो लीगल है, जेन्युइन है और इन चारों टॉपिक में इंक्लूड नहीं हुई है, ऐसी अर्निंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। बेसिकली जितने भी इंटरेस्ट आपको रिसीव होते हैं, कमीशन अगर आपको रिसीव हो रहा है, लॉटरी की अर्निंग आपने की है, तो ये इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो ये जितने भी हेडिंग है, फाइव हेडिंग है, इन पांच हेडिंग का जितना भी अर्निंग है, इन सारी अर्निंग के बिहाफ पे एक पर्टिकुलर पर्सन की अर्निंग की जाती है और उस पर टैक्स लगाया जाता है, इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम। ये कब एप्लीकेबल हुआ था? एक्ट 1961 था, जो एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962। इसी तरीके से एक टैक्स और होता है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स मींस, वेल्थ का बेसिक मतलब ये है धन संपत्ति। एक पर्टिकुलर पर्सन कितना वेल्थी हो सकता है, इसका अंदाजा उस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास कितनी संपत्ति है। एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जितनी संपत्ति होगी वो उतना ही वेल्दी होगा। तो यहाँ पर ये मान के चला जाता है कि जो इंसान जितना ज्यादा वेल्थी है उस पर उतना ही टैक्स लगाया जाएगा। इसके लिए टैक्स की फॉर्म हमारे सामने आई थी जो कि हमारी वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स अप्लाई हुआ था 1957 में। तो ये हमारा टैक्स पॉलिसी के बारे में ब्रीफ नॉलेज थी, लेकिन इसमें एक सबसे मेजर रोल ये है कि टैक्स जितना ज्यादा पे किया जाता है उतनी ही ज्यादा गवर्नमेंट को इनकम होगी, और जितनी ज्यादा गवर्नमेंट को इनकम होगी उतना ही ज्यादा एक कंट्री का डेवलपमेंट होगा। और ये सारी चीज टैक्स के बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कंट्री
जो एक डेवलप्ड कंट्री है वो तो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी तो वो अपनी फैसिलिटीज को फुलफिल करेगी से, लेकिन जो एक डेवलपिंग कंट्री होती है उसको सबसे पहले अपने डेवलपमेंट पे ही पैसा खर्च करना है, और एज पर पैरेलल जितने भी वहां पर लोग रह रहे हैं उन लोगों का भी ध्यान रखना है, उन लोगों की भी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना है। इसके लिए गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आएगा, वो हम टैक्स के फॉर्म में देते हैं। यूजुअली अगर किसी पर्सन से कोई भी पैसा लिया जाता है तो वो टैक्स के फॉर्म में ही लिया जाता है। गवर्नमेंट के पास इनकम जो होती है वो दो टाइप की इनकम हो सकती है, एक तो है कैपिटल नेचर इनकम और एक है रेवेन्यू इनकम। कैपिटल नेचर इनकम मींस जैसा हमने यहाँ पढ़ा कैपिटल मतलब कोई भी गवर्नमेंट जब अपनी किसी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ट्रेजरी में से पैसा लेती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सेल करके उससे जो पैसा रिसीव करती है वो है कैपिटल इनकम। बट साथ में कैपिटल इनकम गवर्नमेंट अपनी सारी प्रॉपर्टी तो सेल कर नहीं सकती, कभी कभी सेल कर सकती है, किसी मेजर ट्रांजिशन के थ्रू सेल कर सकती है, मेजर कंडीशन पे सेल कर सकती है, लेकिन जो रेवेन्यू इनकम है वो तो रेगुलर चाहिए। रेवेन्यू इनकम गवर्नमेंट के लिए उसी तरह से जरूरी है जिस तरह से नॉर्मल पर्सन को सैलरी जरूरी है। हर महीने उसको सैलरी चाहिए तभी घर का खर्च रोटेशन चलेगा। अगर कभी इनकम नहीं आती है सैलरी या कोई और इनकम जो रेगुलर आ रही है, अगर वो इनकम रेगुलर आएगी तो उसका रोटेशन सही चलेगा, वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करेगा, अदरवाइज वो लॉस में चला जाएगा। गवर्नमेंट के साथ भी सेम चीज होती है, गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू इनकम नहीं, रेवेन्यू इनकम एक्साइज ड्यूटी से इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ सकती थी जिसे हम जीएसटी नाम ले चुके, डायरेक्ट टैक्सेस से आ सकती है, तो इन सारी चीजों से गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है। लेकिन जब सारे लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी इनकम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम हो जाती है। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इनकम कम होने से गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल नहीं कर पाती, वो लोगों के लिए जो काम करना चाहती है वो नहीं कर पाती, डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करना कर पाती, उसको जो चीज करनी है रोड बनवानी है, रोड लाइट्स लगवानी है, पब्लिक टॉयलेट्स बनवाने हैं, सबके लिए पैसे की नीड है। बट गवर्नमेंट के पास जब इतनी रेवेन्यू नहीं है तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट डेफिशिएंट हो जाती है, ऐसे कंडीशन में इसको फुलफिल करनी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट अदर कंट्रीज से लोन लेती है, डब्ल्यूटीओ से लोन लेती है, डब्ल्यूएचओ से लोन लेती है, तो लोन लेने से पर कैपिटा इनकम डाउन हो जाती है और हम घूम में आ जाते हैं। इसीलिए सभी लोगों को ये कहा जाता है कि वो अपना टैक्स टाइम भरे, जिनके पास जितनी भी अर्निंग है उस भी हम पर टैक्स भरेंगे, क्योंकि टैक्स भी अगर हम करेंगे तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बढ़ेगी, और गवर्नमेंट की ट्रेजरी बढ़ने से गवर्नमेंट अपनी जो बेसिक नीड्स है अपनी अपने लोगों की बेसिक नीड्स कर पाएगी और एक कंट्री धीरे धीरे डेवलप होगी, वही उसकी जीडीपी को इंक्रीज कर सकता है और वही हमारा बेसिक मोटिव हमारी बेसिक नीड है, हमारी जो नीड्स है उनको फुलफिल करेगी गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट फुलफिल कब करेगी जब हम उनको गवर्नमेंट टैक्स देंगे। इसीलिए सभी को टाइम टू टाइम टैक्स पे करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट की जीडीपी रेज हो, ट्रेजरी रेज हो और इनडायरेक्टली हम भी ऊंचा कर सकते। ओके, तो आज का टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं, यही समाप्त करते हैं, ऐसे ही टॉपिक हम और आगे लेकर आते रहेंगे। उसके लिए आप लोग आगे हमारे जो भी अपडेट्स हैं हमारे पेज पर देख सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको और अगर रिक्वायरमेंट्स हो, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।